तीन बार के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर ग्राउंड में कुछ लोकल वोटर्स से बात कर रहे थे। आसपास के लोग दशहरा होने की वजह से पटाखे फोड़ रहे थे। बाबा सिद्दीकी लोगों से बात करके अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। तभी तीन लोग एक गाड़ी से उतरते हैं और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। 6 राउंड फायरिंग होती है, जिसमें से 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने में लगती हैं। 1 गोली वहीं पर दूसरे आदमी के पैर में लगती है। बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जिशान सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग थी, लेकिन जब बाबा सिद्दीकी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तभी जिशान को एक फोन कॉल आया और वो उस कॉल पर बात करने की वजह से अपने ऑफिस में चला गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उनकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के सत्ताधारी पार्टी के नेता थे। सत्ताधारी पार्टी के नेता की दिन दहाड़े गोलियां मारकर इतने खुले मैदान में हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र की राजनीति के साथ पूरे देश की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। कितनी बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की सरकार जो करोड़ों लोगों की सुरक्षा की बात करती है, उनके खुद के नेता और मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन कौन है ये बाबा सिद्दीकी जिनके मरने पर इतना ज्यादा तूफान खड़ा हो गया। बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे, लेकिन इनके दादा मुंबई जाकर बस गए थे। उस समय बाबा सिद्दीकी की उम्र थी 5 साल। गोपालगंज में बाबा सिद्दीकी के पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी की साइकिल में पंचर लगाने की दुकान थी, लेकिन मुंबई जाकर उन्होंने घड़ी बनाने का काम शुरू कर दिया था। बाबा सिद्दीकी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई छात्र राजनीति के तौर पर साल 1977 में। ये वो समय था जब मुंबई में दाऊद इब्राहिम नाम का एक लोकल गुंडा बड़ा नाम कमा रहा था। दाऊद इब्राहिम के साथ बाबा सिद्दीकी भी उस समय गुंडागर्दी में थे और एक समय पर दाऊद इब्राहिम के साथ बाबा सिद्दीकी पर भी मुंबई पुलिस ने मकोका के तहत केस दर्ज किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दाऊद और बाबा सिद्दीकी एक साथ गुंडागर्दी करते थे, लेकिन राजनीति में अपने बढ़ते कदमों से इन्होंने सफेद कुर्ता पहन लिया और अपनी गुंडागर्दी को पर्दे के पीछे छिपा दिया। छात्र राजनीति के बाद बीएमसी में कॉरपोरेट के पद पर भी कई साल रहे और साल 1999 में कांग्रेस पार्टी से पहली बार एमएलए बने। इसके बाद 2004 में और 2009 में भी विधायक बने। बाबा सिद्दीकी जिंदगी भर कांग्रेस के नेता थे, लेकिन इसी साल कांग्रेस को छोड़कर अजीत पवार वाली एनसीपी में शामिल हो गए थे। अजीत पवार इस समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और सरकार चला रहे हैं। बाबा सिद्दीकी टोटल 3 बार विधायक बने और मंत्री भी रह चुके थे। कहते हैं कर्मों का फल तो कभी न कभी भोगना ही होता है और बाबा सिद्दीकी तो वैसे भी अपना मटका पूरी तरह से भर चुके थे, तो उनका मटका फूटने पर बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। बाबा सिद्दीकी पर कई गंभीर केस चल रहे थे। 500 करोड़ के घोटाले के उन पर आरोप थे। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के भी आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि वो बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते थे। और तो और कथित रूप से बाबा सिद्दीकी पर आरोप लगते थे कि बाबा सिद्दीकी अंडरवर्ल्ड को भारतीय पॉलिटिक्स, बॉलीवुड और प्रॉपर्टी के कारोबार से जोड़े हुए थे। बाबा सिद्दीकी के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक का नाम है जिशान सिद्दीकी। जिशान सिद्दीकी वही इंसान है जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत केस में पहली बार मीडिया में आया था। इम्तियाज खत्री आपको याद होगा? हाँ, वही इम्तियाज खत्री जो एक होटल के बाहर सुशांत को धक्का देकर गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। ये वही इम्तियाज खत्री है जो बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करता है। कहने के लिए इम्तियाज खत्री प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है, फिल्म मेकिंग में भी इसका बिजनेस है, लेकिन असली काम बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई का है। सुशांत सिंह राजपूत केस में इम्तियाज खत्री का नाम सामने आया था और रिया चक्रवर्ती को ये उस समय ड्रग सप्लाई करता था, ऐसा ईडी के द्वारा कहा गया था। लेकिन इसके बाद से इसे गायब कर दिया गया और मीडिया में फिर कभी ये सामने नहीं आया। हालांकि हकले खान के लाडले आर्यन खान को जब ड्रग केस में पकड़ा गया तो उस समय भी इम्तियाज खत्री का ही नाम सामने आया था, लेकिन इम्तियाज खत्री के ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से आज तक इससे कभी पूछताछ भी नहीं हुई। जिशान सिद्दीकी और इम्तियाज खत्री को एक दूसरे का करीबी माना जाता है। इम्तियाज खत्री अंडरवर्ल्ड का गुर्गा है और बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करता है। जिशान सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के गहरे संबंध है, ये भी सभी को पता है। बाबा सिद्दीकी वो इंसान था जिसने 2013 में सलमान खान और शाहरुख हकले खान की दोबारा से दोस्ती करवाई थी। इफ्तार पार्टी में बाबा सिद्दीकी ने इस्लाम के नाम पर इन दोनों की दोस्ती करवाई। बाबा सिद्दीकी ने सलमान और हकले से कहा था कि तुम दोनों इस देश में इस्लाम के सबसे बड़े नुमाइंदे हो, तुम दोनों को इस देश में इस्लाम को आगे बढ़ाना है और दोनों ऐसे छोटे छोटे झगड़ों में अपना समय बर्बाद मत करो। इसके बाद सलमान और अखिलेश की दोबारा दोस्ती हुई। बाबा सिद्दीकी हर साल इफ्तार पार्टी के नाम पर कथित रूप से बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स की मीटिंग कराते थे। साल 2013 में बाबा सिद्दीकी पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के आरोप मीडिया में सामने आए थे। दरअसल बाबा सिद्दीकी और छोटा शकील ने मिलकर एक सरकारी प्रॉपर्टी कब्जाई थी, जिस पर इन दोनों ने 200 करोड़ लगाकर एक आलीशान मॉल बनवाया था।
उस मॉल की हर एक दुकान को बेचने से पहले बाबा सिद्दीकी और उनके एक दोस्त बिलाल भाई की परमिशन ली जाती थी। इसके बाद छोटा शकील और अंडरवर्ल्ड इस बात से चिढ़ गए कि बाबा सिद्दीकी अब अंडरवर्ल्ड से भी बड़ा बनता जा रहा है। तब छोटा शकील और बाबा सिद्दीकी के गुंडों में कई बार गैंग वॉर हुई, लेकिन बिलाल भाई जो बांद्रावाले के नाम से फेमस है, उसने फिर से बाबा सिद्दीकी और छोटा शकील की दोस्ती करवा दी। हालांकि इन आरोपों की कभी पुष्टि नहीं हो पाई, जबकि बाबा सिद्दीकी पर छात्र राजनीति के समय से ही दाऊद इब्राहिम से दोस्ती के आरोप लगते रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हत्या की जिम्मेदारी लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर ने फेसबुक पर पोस्ट करके जिम्मेदारी ली। पोस्ट में लिखा, सुलमान खान हम ये जंग नहीं चाहते थे, तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शूटर अभी कुछ दिन पहले जेल में मरा हुआ मिला था। उस पर आरोप था कि उसने सुलमान खान के घर पर फायरिंग में शूटर्स की मदद की थी। अनुज के माता पिता और परिवार वालों ने सुलमान खान और महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मिलकर उनके बेटे अनुज की हत्या की है। फेसबुक पोस्ट में अनुज के लिए लिखा कि सुलमान तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया, यानी उसको जेल में मरवाया। आगे लिखा कि आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं, ये बाबा सिद्दीकी एक टाइम पर दाऊद इब्राहिम के साथ मकौका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुस्थापन और दाऊद की बॉलीवुड राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना है। हमारी किसी के साथ में दुश्मनी नहीं है, पर जो सुलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे, हमने कभी भी पहले वार नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत। अभी कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी को धमकी मिली थी, उसके बाद बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई थी। अब ये पोस्ट असली है या किसी ने फर्जी पोस्ट डाला है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी की पर्सनल सिक्योरिटी भी थी जो हमेशा उसके साथ में रहती थी, लेकिन तीन शूटर्स ने किसी को भी सोचने का मौका नहीं दिया और दो गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी और उनको वहीं पर ढेर कर दिया। जिस समय सुशांत की हत्या हुई थी उसमें भी अंडरवर्ल्ड का नाम सामने आया था। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का नाम भी सोशल मीडिया पर सुशांत वाले केस में खूब वायरल हुआ था। उस समय बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र सरकार में शामिल थे। उद्धव ठाकरे उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी का उनको समर्थन था। सुशांत की बॉडी को बाबा सिद्दीकी के एम्बुलेंस से ही अस्पताल लेकर जाया गया। अब उनकी खुद की बॉडी उसी एम्बुलेंस में अस्पताल गई, लेकिन नहीं बच पाए। तब भी सोशल मीडिया पर इस बात का बहुत बड़ा इश्यू बना था कि बाबा सिद्दीकी के एम्बुलेंस को ही सुशांत केस में प्रयोग क्यों किया गया था। हालांकि इन सवालों के जवाब किसी को भी आज तक नहीं मिले हैं। उम्मीद है कि बाबा सिद्दीकी की मौत से जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनके जवाब आम जनता को जरूर मिलेंगे। अब जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है तब भी वो सत्ताधारी पार्टी के नेता थे। सत्ताधारी पार्टी के नेता की दिन दहाड़े हत्या हो रही है तो ऐसी सरकार अपने नागरिकों की क्या ही सुरक्षा कर पाएगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तुरंत सुलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उसे अस्पताल आने से भी मना कर दिया गया था कि बेटा घर में बैठे रहो, बाहर आने की जरूरत न करो। सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जानकारी दी। महाराष्ट्र के सभी नेताओं ने, जितने भी बड़े नेता हैं, तुरंत इस हत्या के बाद अपना रिएक्शन दिया। ज्यादातर बड़े कलाकार, बड़े नेता बाबा सिद्दीकी के घर या अस्पताल पहुंच गए, लेकिन एक वो भी समय था जब सुशांत की हत्या के बाद किसी भी नेता ने, किसी भी कलाकार ने मुंह तक नहीं खोला, किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट तक नहीं किया था। लेकिन अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने वाला एक आरोपी मरा तो सब बिलबिला उठे। अब आने वाले कुछ समय में पता चलेगा कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड को खुश करने के लिए ये खादी वाले किसकी बलि देंगे।